आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जिलावार एसोसिएशन के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शीलेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर जिलावार के प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे को लगाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। साथ ही जिलावार के समस्त अधिवक्ता गणों को एवं जिलावार के अध्यक्ष व सचिव को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष के पौधे की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के पौधे हमारी संस्कृति की पहचान होती है। तत्पश्चात जिलावार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ उनका स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया। देखिए, जिलावार एसोसिएशन के सौजन्य से आज यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। चूँकि परिसर छोटा है, लेकिन इसको बड़े अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। आज जो यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ लगाया गया, जो मान्यताओं के हिसाब से एक पवित्र पेड़ माना जाता है, तो मैं इसके लिए बार एसोसिएशन के माननीय अतिथि टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सीमित स्थान होते हुए भी आपने इस दिशा में प्रयास किया। और आप यहाँ देखेंगे जो स्पेस है उसको वृक्षारोपण अच्छे ढंग से किया गया, एक अच्छा प्रयास है। और ये समर्पित है जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी कार्यक्रम के तहत ये आज हो सकता है। ठीक है सर, क्या कार्यक्रम हुआ जिलावार में? जिलावार में 75 में महापर्व के संबंध में वृक्षारोपण जो चल रहा है उसके संबंध में आज हमारे जिलावार एसोसिएशन ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाने के लिए वृक्षारोपण कराने के लिए पौधे का पौधा लगवाया। और ये पौधा एक धार्मिक है, इससे पूर्व हमारे जिला जज महोदय भी लगा चुके हैं। आज जिलाधिकारी महोदय ने लगा और मान्यता पर कहा कि हिंदुत्व का पौधा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम जिलाधिकारी का धन्यवाद अदा करते हैं। आज दिनांक 17/8/22 को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिलावार एसोसिएशन मुरादाबाद की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। क्या करने जाएंगे आप जिला मौके पर? आज दिनांक 17/8/2022 को हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलावार एसोसिएशन के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा भी काफ़ी समय से चल रहा है और विभिन्न उससे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी उसमें जज साहब आए, वो हमारे माननीय डीएम साहब आए और उन्होंने यहाँ पे वृक्षों का इनका पालन में उसे देख के बहुत खुश भी हुए और उन्होंने एक हमारे रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया है, जो जिसकी बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता भी है और एक पवित्र पौधा, और इसके साथ साथ इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं जो लगाने के बाद उसका सभी को फायदा है।